दोस्तों आप लोग वीडियो देखता है लेकिन कभी भी मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है और उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। चलिए मैं एक लीडर को परिभाषित करता हूँ। उसमें एक विजन और पैशन होना चाहिए और उसे किसी समस्या से डरना नहीं चाहिए बल्कि उसे पता होना चाहिए कि इसे हराना कैसे है। सबसे जरूरी, उसे ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। जहाँ हृदय में सच्चाई होती है वहाँ घर में सामंजस्य होता है। जब घर में सामंजस्य होता है तब देश में एक व्यवस्था होती है। जब देश में व्यवस्था होती है तब दुनिया में शांति होती है। शिक्षाविदों को छात्रों के बीच जांच की भावना, रचनात्मकता, उद्यमशीलता और नैतिक नेतृत्व की क्षमता का निर्माण करना चाहिए और उनका रोल मॉडल बनना चाहिए। यदि चार बातों का पालन किया जाए, एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ रहा जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। मुझे पूरा यकीन है कि जब तक किसी ने नाकामयाबी की कड़वी गोली न चखी हो वो कायमाबी के लिए पर्याप्त महत्वाकांक्षा नहीं रख सकता। भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां कहां से पनपती हैं? ये कभी न खत्म होने वाले लालच से आती हैं। भ्रष्टाचार मुक्त नैतिक समाज के लिए लड़ाई इस लालच के खिलाफ लड़ी जानी होगी और इसे मैं क्या दे सकता हूँ की भावना से बदलना होगा। मेरा संदेश विशेष रूप से युवाओं के लिए है कि वे अलग सोचने का साहस रखें, आविष्कार करने का साहस रखें, अनदेखे रास्तों पर चलने का साहस रखें, असंभव को खोजने और समस्याओं पर जीत हासिल करके सफल होने का साहस रखें। ये महान गुण हैं जिनके लिए उन्हें जरूर काम करना चाहिए। युवाओं के लिए ये मेरा संदेश है। जब हम बाधाओं का सामना करते हैं हम अपने साहस और फिर से खड़े होने की ताकत के छिपे हुए भंडार को खोज पाते हैं जिनका हमें पता नहीं होता कि वे हैं। और केवल तब जब हम असफल होते हैं एहसास होता है कि संसाधन हमेशा से हमारे पास थे। हमें केवल उन्हें खोजने और अपनी जीवन में आगे बढ़ाने की जरूरत होती है।